तड़पम विद्युत बेलम जकड़म शस्त्रम। अब मैं इंसानी बस्ती जाकर सिर्फ तुम्हारा अभियान ही नहीं रोकूंगी बल्कि अपने अभियान की नींव भी रखूंगी। आज मैं उस पहलवान परिवार को ऐसा डसूंगी ना कि वो तुम्हारे अभियान के साथ साथ अपना दम तोड़ देंगे। आज उस पहलवान परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी मैं। तुझे डरना चाहिए था, जिस सांप से लोगों का खानदान खत्म हो जाता है, वही सांप आज तेरे घर में घबराए घबराए घूम रहे। तू कल नेवला लेकर आने वाला है ना? हाँ, एक बात याद रख बब्बल, मैं इच्छा नहीं हूं जो तुझे प्यार से समझाऊंगी। तेरे लिए तू मेरे जहर के दो दांत ही काफी है। अच्छा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हूँ मैं डंक। क्या? वो मैं डांस सिखाने आई थी। इस वक्त? ये तो वक्त वक्त की बात है। भाई टीवी तुम बंद करके आए थे, पिक्चर तो वही चल रही है। हाँ, पिक्चर तो वही चल रही है, एक्टर अलग लग रहे हैं, देखते हैं। क्या चल रहा है भाई? वो सबल भैया, मैं बबल जी को पूछ रही थी कि उन्हें डांस करना बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा छोड़ो, डांस कौन करेगा अभी? भाई ये पूछ रही है तो यही बताएगी ना करके। भाई तुझे डांस वांस करना तो आता है ना? हाँ हाँ जी, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा मतलब? 1 किलो, आधा किलो, 100 ग्राम, थोड़ा कितना? मैं समझी नहीं, क्या मतलब? अरे मतलब की बात तो करें हैं मतलबी लोग। हम तो काम के लोग हैं, सिर्फ काम की बात ही करते हैं। अरे ना ना, ऐसा ना है, हम सिर्फ काम के लोग हैं और काम की बात ही करते हैं। और अभी काम की बात ये है कि हम इसका डांस देख के जाएंगे। तय हो गया।
हे नागूमी देव, अगर मैं इंसानी बस्ती जल्दी नहीं पहुंची तो बब्बल जी समझेंगे कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ जो नेवले की खबर सुन के भाग गई। हे नागूमी देव, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करने के लिए कोई है? इच्छा, इच्छा उठो ना, देखो आज मैं तुमसे पहले उठ गया। अरे इच्छा उठो ना, इच्छा देखो सूरज और अपू दोनों सर पे हैं और तुम अभी तक नहीं उठी। उठो, अरे उठो उठो। क्या है, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा है? अरे क्या हुआ, तुम नाराज क्यों? अरे तू बोलना। अरे तुम इतना लेट तक कभी नहीं सोती, आज सो गई तो कौन सी आफत आ गई? तुम बोलना तुझे क्या चाहिए? अरे वही जो तुम मुझे रोज देती उठते ही। क्या गुड मॉर्निंग किस भूल गई क्या? खुद देख लेना, अब कहाँ रखी है, जा ले ले। क्या तू छा, तुम्हें हो क्या गया, नींद में हो क्या? गुड मॉर्निंग किस पप्पी जो तुम मुझे रोज देती हो गाल पे। तेरे गाल पे पप्पी नहीं, चांटा देना चाहिए, सुबह सुबह आ गया परेशान करने। एक दिन नहीं दी तो क्या हो गया? इच्छा ऐसे नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज डू दैट विच देयर फ्रेंड्स लाइक। प्लीज गिव मी अ किस। बस बस समझ गई मैं, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहा है। तुझे पप्पी चाहिए ना, ले और जा। ऐसी पप्पी दूंगी तुझे कि मजा ही आ जाएगा। ये कैसी किस दी तुमने, मेरा गाली जला दिया। ऐसी पप्पी दी है कि हमेशा याद रखेगा। ये इच्छा को हो क्या गया है? इच्छा तो किसी को भी जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकती। क्या सोच रहा है, दूसरे गल पे भी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बस आज के लिए इतना काफी है। दादी, पिताजी, भैया, भाभी, जल्दी आओ, कुछ दिखाना है आपको, जल्दी। अरे इच्छा, अरे चाचू बुला रहे, चलो उठो उठो चलो। अरे क्या हुआ बब्बल, चिल्ला क्यों रहा है? भाई बब्बल हमारे लिए लाया है कुछ। अरे नहाया तो मैं भी हूँ, मैं तो ना चिल्ला रहा। चिल्लाएगा अगर अभी एक थप्पड़ खाएगा। अरे छोड़ो पिताजी, अभी तो खाया है नाश्ता। और खा ले। अरे के लाया है तू? यो तो रेवला है, सांपों का जानी दुश्मन हो गया ये। अरे नेवला है नेवला, आंवला ना है, सांपों का जानी दुश्मन हो गया यो। ठीक है भैया। हे नागौमी देव, इतने जल्दी कैसे ले आया इसे, ये तो शाम को लाने वाला था ना। कितना मासूम सा नेवला है ना बब्बल जी, लेकिन आप तो शाम को लेके आने वाले थे इसको, अब मैं इसके स्वागत की तैयारी इतनी जल्दी कैसे करूंगी? अरे भाभी वो मेरा दोस्त जल्दी चला गया, वो दिल्ली में अपना कोई काम खत्म करके जाएगा। अच्छा है, अब हमारा काम जल्दी निपट जाएगा। इंसान भी बड़े बेसब्र होते हैं, इन्हें नहीं पता कि बेसब्री का फल जहरीला होता है। तो मुझे भी जल्द से जल्द कोई ना कोई तरकीब बनानी पड़ेगी ताकि इस नेवले को और इन इंसानों को उनकी औकात पर ला सकूं। मुझे भी तेरी तरह पिताजी। हाँ।
इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा तुम्हें तो सब जीवों से प्यार है ना, तो नेवले से क्यों डर रही हो? अरे मुझे तो नेवले से भी बहुत प्यार है, पर इनसे थोड़ा डर सा लगता है। इनका भी इतिहास है इच्छा, ये बिना वजह किसी को नहीं काटते। वो तो मालूम है, पर क्या ये सिर्फ सांपों को काटते हैं इच्छा, तो तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है। अरे इसीलिए तो मैं नेवले से नहीं मिलना चाह रही हूँ। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। इच्छा एक बार मिलने में क्या बुराई है, मैं हूँ ना, डरो मत। अब नहीं बबल जी, बुराई कोई बुराई नहीं है, वो तो मैं नहाने जा रही थी तो इसलिए थोड़ी देर बाद में। इच्छा दरवाजा खोलो। इच्छा 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 जितना तुम झूठ बोलोगी मुझे तुम्हारे नागिन होने पर उतना ही विश्वास होता जाएगा। जो मेरे लिए परेशानी मत बढ़ाओ, मेरी विश्वास की खातिर एक बार आकर इस नेवले से मिलो और दादी को गलत साबित करने में मेरी मदद करो। चाचू क्यों डरा रहे बिचारी इच्छा को, देखो कितना डर गई है, बाहर ही नहीं आ रही है। एक मिनट, चाचू ये नेवला तो मर गया। ए अप्पू ये मरा नहीं है। पहले कहाँ मरा था, अच्छा खासा चल रहा था पिंजरे के अंदर। चाबी भरना भूल गया। चाबी? मतलब ये नेवला नकली है, इसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये। हाँ ये सब झूठ, मैंने सिर्फ अच्छा का सच जानने के लिए बोला था। मैं गलती से भी इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर वो चाहे नागिनी क्यों ना हो। I love you, चाचू। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, इस घर में आप सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो मेरे बाद। चल भाई, मतलब बब्बल नागिन को पकड़ने के लिए नकली नेवला लेकर आया है। अरे वो नकली नेवला लेकर आया है, और कहीं वो नागिन असली निकल गई तो खतरा हो सकता है। अरे नेवले को क्या खतरा होगा, वो तो नकली है, असली खतरा तो बब्बल की जान को हो सकता है। मैं भी बब्बल की ही बात कर रहा था। अच्छा अच्छा भैया, लेकिन फिर क्या करें? हाँ, हमें उसे बदलना होगा। अरे ना भाई, बब्बल बड़ा अड़ियल आदमी है, वो ना बदलेगा। अरे नेवले को बदलने की बात कर रहा हूं। ओ, अच्छा अच्छा फिर ठीक है, एक छनागिन बनकर आएगी और फिर उस नेवले में चाबी भरेगी। अरे भाभी को क्यों घसीट रहा है इसमें, उसे कुछ ना पता इसके बारे में। वही मैंने चाबी बोला, चाबी। एक छनागिन बनकर आएगी, नेवले में चाबी भरेगी, लेकिन भर ना पाएगी क्योंकि नेवला तो असली है, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी। हाँ, और फिर वो कंफ्यूज होके अपना सर पीट लेगी और उसे कोई जवाब ना सूझेगा, और फिर वो हमारे सामने आके हार मान लेगी और हम उसे पकड़ लेंगे। भैया दिमाग की आपकी दांत है। चलो आजा। मैं तुम्हारे लिए सॉलिड गुड न्यूज लाया हूँ। क्या? वो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा। उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि इस गुड न्यूज के बदले तुम मुझे क्या दोगी? कुछ नहीं। अप्पू मेरा मूड ऐसे ही खराब है, तुझे बोलना है तो बोले, तो जाए यहाँ से। हैं? अच्छा तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो, मुझसे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो तुम्हारे भलाई की बात बोलने आया था, वो नेवला खैर छोड़ो, अब मुझे बताना ही नहीं है। अब नहीं, अप्पू अब... क्या हुआ उस नेवले को? नहीं नहीं जाने दो, मुझे नहीं बता। बताना अप्पू, प्लीज बताना, मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, माफ कर दे, बताना। तुझे इसके बदले इनाम चाहिए ना, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी, बता। पक्का दोगी? हाँ पक्का पक्का। तो ठीक है, उससे पहले तुम मुझे अपना स्पेशल वाला नागिन डांस करके दिखा। अप्पू ये कोई वक्त है डांस करने का? मुझे तो अभी डांस सीखना है, मैं करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, करती हूँ।
हाँ हाँ बताता हूँ, वो चाचू जो नेवला लेते ना, वो नेवला नकली है। क्या बात कर रहा है तू? हाँ इच्छा, वो नेवला एकदम नकली है, तुम्हें उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से उसके सामने जा सकती हो और वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, और सबको यकीन भी हो जाएगा कि तुम नागिन नहीं हो। वाह, एक साथ दो खुशखबरी। अप्पू अब नेवले से तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन बब्बल को मुझसे कौन बचाएगा? कोई नहीं है, आज मुझे विशैले की कैद से बाहर आना ही होगा। हे शिव जी, बस मेरा इसी तरह साथ देते रहना। अब तक तो सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो रहा है, अब जा इसके पीछे, और हाँ इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसे कुछ मत करना जब तक ये अपने घर के आंगन नहीं पहुंचता। पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, कसम जहर के आखिरी बूंद की, इसे उस घर का पानी भी नसीब नहीं होने दूंगा। ऐसी भी क्या जल्दी थी भागने की शंकर? अब देख, तू मुझे अपने घर का पता खुद बता रहा है। शंकर, तुझे मैं सबसे आखिरी में मौत दूंगी, और उस वक्त तेरे मुंह में गंगा जल डालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को लेकर अयोध्या वापस आ गए, इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। अब तू बता, तूने इस कहानी से क्या सीखा? पिताजी मैं बताऊं? हाँ, पिताजी, सीता जी बिना पासपोर्ट विदेश जाने वाली पहली महिला थी। अरे वाह! अरे सब तैयार हो गए? सारी तैयारियां हो गई हैं दादी, ट्रैक्टर में तेल डलवा दिया है, चाकू की धार तेज करवा दी है, खेतों में पानी छोड़ दिया है, और भैंसों को चारा डाल दिया है, और आंगन में खाट लगवा दी। दादी देता ली? हाँ बेटा, अकल कब लगवाएगा? दादी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ छोरी, कल दिवाली है ना, तो हम लोग बाजार जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना, और तुझे कुछ चाहिए ना तो बता दे, हम लेते हुए आएंगे। प्रबल और सबल खेतों में जा रहे हैं, बस बबल घर में अकेला है। इस बबल को मुझसे कौन बचाएगा? केवा छोरी, के सोच रही है? सोच रही होगी क्या मंगवाऊं, दिमाग पे जोर भी तो पड़ता होगा इस बिचारी के। अरे नाना छोड़, सोच मत, हम तेरे लिए खुद ले आएंगे। हैं? हाँ ठीक है। ममता, मेरे कमरे में जाके पैसे का बटवा ले आ। दादी जी, बटवे में से पैसा लेके आना है ना? थारी लुगाई थारे जैसी हो गई है, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, मने जाना पड़ेगा। चल रे भाई, तेरी लुगाई भी तेरे जैसी हो गई है, मुबारक हो। इच्छा, आज तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, मैं चाहूंगा कि तुम मैं नागिन ना हूं। सच को सामने लाने का बहुत शौक है ना इस बब्बल को, आज जब सच में सांप सामने आएगा ना, तो इसके बदन में खून नहीं डर दौड़ेगा। डर? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.